सबसे पहले आप सबको नमस्कार, मेरा नाम सचिन है। आपने मुझे छोटे मोटे रोल्स में देखा होगा पहले, लेकिन ये मेरा पहला म्यूजिकल एल्बम है जो सुमित भाई ने मुझे मेरा नाम सचिन अरोड़ा है। आप सब लोगों ने मुझे छोटे मोटे रोल्स में देखा होगा पहले, ये मेरा पहला म्यूजिकल एल्बम है। सुमित भाई ने मुझे चांस दिया रोमांस करने का, एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है एल्बम में रोमांस करने का। हाँ, एल्बम में रोमांस करने का। तो प्यार की बारिश के बारे में बताएं, कैसे प्यार की बारिश। बहुत ही प्यारे लिरिक्स हैं, म्यूजिक बहुत प्यारा है, और जिसने गाया है उसकी आवाज आप सुनोगे, आप एक बार गाने से प्यार में पड़ ही जाओगे, ऐसा गाना है ये। एंड आपकी को-स्टार के बारे में बताओ। हमारी को-स्टार आप देख ही रहे हो, वैसे ही इतनी सुंदर है। वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? वर्किंग एक्सपीरियंस ये बहुत एक्सपीरियंस एक्टर है, इनको अच्छी खासी नॉलेज है कैसे सीन देना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे केमिस्ट्री बनानी है, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया। मैम आप बताओ अपने। मेरा नाम ज्योति मेहरा है। इससे पहले मैंने दो सॉन्ग किए हुए हैं हिंदी और दो पंजाबी सॉन्ग किए हुए हैं, और जो ये गाना है प्यार की बारिश मुझे बहुत अच्छा लगा। और म्यूजिकल एंड पे रिलीज हुआ है। हाँ, तो ये आज 25 अगस्त को म्यूजिकल एंड्स में रिलीज हुआ है, और इसका जो कैलाश प्रोडक्शन के साथ पार्टनरशिप में रिलीज किया है इसे। नताशा जी ने कास्ट किया आप लोगों को, जी हाँ जी। उनके बारे में बताओ कैसा? उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा कि फ्रेंडली नेचर है उनका, पूरी टीम का ही, सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सेट में कभी हमें फील हुआ ही नहीं कि हम काम करने आए हैं, हमें लगा हम मस्ती करने आए हैं, एक वेकेशन पे आए हैं। हमने काम भी कर लिया और हमारा शूट भी अच्छा हुआ और मस्ती बहुत ज्यादा हुई, और गिटार भी बहुत अच्छा बजा है इसके साथ, तो बहुत अच्छे से पता है। बारिश में शूट करना कैसा रहा? बारिश में शुरू में तो बहुत मजा आया, लेकिन जब एक दो टेक हुए उसके बाद हमें ठंड लगने लग गई, तो बड़ी मुश्किल से हमने अपने जो लिप्स हैं वो शिवर होने लग गए, बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला, लेकिन अच्छा हुआ। फिर फटाफट सर ने हमारे लिए सारे इक्विपमेंट्स तैयार करवाए, जैसे ही शॉट खत्म हुआ फिर हम फटाफट चेंज करने चले गए। अच्छी सर्विस भी अच्छी रही, सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डीओपी प्रिंस जी जो है उनके बारे में क्या कहोगे, कैसा रहा? प्रिंस जी तो देखो मैजिशियन है, डीओपी है जो एक मैजिशियन है, वो कैसे आपको फ्रेम में फिट कर देता है वो हम नहीं जान सकते। हम अपने तरफ से दे रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है क्या बेस्ट है। तो पीछे से आवाज़ आती थी, अरे थोड़ा फेस इधर कर, थोड़ा ये ऐसे कर, तो बाद में जब देखा हमने तो मजा आ गया उनका काम देख के। सर आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, रानीखेत शहर से हूँ मैं, और बचपन से ही था कि मुझे एक्टर बनना है, और धीरे 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 करती रही, मुंबई में आई, एक्टिंग क्लासेस के काफ़ी कोर्स किए, फिर धीरे धीरे काम मिला, और अब जाके एक अच्छा काम मिला है इसको बोल सकते हैं। आप ये सॉन्ग एक बार तो एटलीस्ट जरूर देखो, अगर आप एक बार देखोगे आपको इतना पसंद आएगा, मैं गारंटी देता हूँ आप ये सॉन्ग दोबारा दोबारा बार बार देखोगे ही देखोगे और सुनोगे, बहुत मजा आएगा सॉन्ग सुनने में। सॉन्ग रिलीज हो चुका है आज 25 अगस्त को, सॉन्ग रिलीज हो चुका है, आप लोग देखिए आपको भी अच्छा लगेगा। और बारिश के मौसम में प्यार की बारिश वाला सॉन्ग, इससे अच्छा क्या हो सकता है ना। जाते बारिश जाते जाते हम एक अच्छा रोमांटिक सॉन्ग देते जा रहे हैं जी। और लास्टली और क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इसके अंदर ये फ्यूचर का? अभी एक वेब सीरीज का मेरा शूट चल रहा है, वो भी बहुत जल्दी आप लोगों तक पहुंच जाएगी, बाकी आगे देखते हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो और काम करते रहेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे। मेरे दो सॉन्ग आने वाले हैं, एक जश्न शादी मुबारक, सेकंड वन करम कर दे। सोशल मीडिया का जमाना है, सॉन्ग रिलीज हो चुका है, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए म्यूजिकल एंड को, तभी आप तक सॉन्ग पहुंच पाएगा, और इंस्टा म्यूजिक पे भी रिलीज हो चुका है वो, उस पर बहुत सारी रील्स बनाओ, हमें टैग करो, मैं सचिन अरोड़ा, ज्योति मेहरा, कैलाश प्रोडक्शंस, म्यूजिकल एंड, सुमेध जी, सबको टैग करो, हम आपको रीपोस्ट करेंगे आपकी स्टोरीज को। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो, तभी आप तक सब तक पहुंच पाएगी वो जी। हेलो, प्यारे से सॉन्ग के सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर को बुलाने का टाइम है, तो मैं आप सब लोगों से मिलवा देता हूं उनको। साहिब जिन्होंने बहुत ही प्यारा गाना गाया है, और अनुज जिन्होंने म्यूजिक प्रोड्यूस किया है। सो ठीक है जी जी। How is the part being this project and something about your profile, about your song earlier, about this project?
ये प्रोजेक्ट हमारे लिए नया नहीं है एक्चुअली, सर के साथ काम करना हमारे लिए नया नहीं है, हमने पहले भी इनके साथ काम किया हुआ है और ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है इनके साथ, और आने टाइम में भी हमारे बहुत सारे लाइन में प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं जिस पे काम चालू है, बहुत जल्द हम लोग वापस मिलेंगे इसी जगह पे किसी और सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग के साथ इतना अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है, और बाकी मैंने वीडियो देखा है मुझे बहुत अच्छा लगा, इन लोग का काम माइंड ब्लोइंग है, आप लोग प्लीज़ उसको यूट्यूब पे देखिए, इंजॉय करेंगे आप लोग, द गाइस हैव डन अ रियली गुड जॉब। थैंक यू सर। सो व्हाट आर यू आई मीन बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड सेट थोड़ा अंदर उठे जो पिक्चर्स ले लो साथ में, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड सुमित सर के साथ हम लोग काफ़ी काम करते ही रहते हैं, और उनके साथ काम करने में सबसे बड़ी एक चीज़ होती है कि वी ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ हमेशा नया बनाने के लिए। एंड सबसे अच्छी चीज़ है ये जो एक प्लेटफॉर्म हम लोग बिल्डअप करने का ट्राई कर रहे हैं, म्यूजिकल एंड कैलाश प्रोडक्शन, सो वी आर ट्राइंग सो हार्ड कि आप लोग को ये ट्रैक्स, हम लोग के सॉन्ग्स, वीडियोस पसंद आए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ डू शेयर, क्योंकि उससे हम लोग को बहुत हेल्प मिलती है। और सुमेत सर के साथ काम करना ऐसा नहीं है कि आपको एक गाना दिया है और आपको ये बना रही है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, इनकी सबसे अच्छी बात यह है ही नेवर रिस्ट्रिक्ट्स यू, ये आपको खुला छोड़ते हैं, क्रिएट योर सॉन्ग, क्रिएट अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, आप नया क्या निकाल सकते हो वैसा, और सेम ही डन विद द वीडियो, तो इसके साथ इसके लिए इनके साथ काम करने मजा आता है क्योंकि ये कभी नए आर्टिस्ट को रोकते नहीं है, ही नेवर रिस्ट्रिक्ट्स पीपल। तो साहिब भाई दो शब्द में हमारे मीडिया वालों के लिए भी? दो के चार लाइन्स, चार लाइन्स है ना, मुझे तो बस मौका चाहिए गाना गाने के लिए। मैं हुक गाता हूँ, प्यार की बारिश में हमको भीग जाने दो, प्यार की बारिश में हमको भीग जाने दो, जो भी होता है आज हो जाने दो, जो भी होता है आज हो जाने दो। सुनिए हमारी स्टाइलिस्ट जिन्होंने हमें इतना सुंदर बनाने की ट्राई की है, कोशिश की है, अभी पता नहीं हम बने हैं या नहीं बने, वो आप लोग डिसाइड करोगे। सो गाइस आप सब तो मुझे जानते ही हो, इससे पहले भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में म्यूजिकल लैंड और पार्टनरशिप कैलाश प्रोडक्शन हाथ कर चुकी हूँ। सो मेरा नाम नताशा नाइटी है, मेरा पैशन मैं पहले भी आपको बताई हूँ, बट इतना प्यारा सॉन्ग है क्योंकि हमने पहले भी जो किया था उसमें भी हमने क्रिएटिविटी करी थी, म्यूजिकल लैंड का पहला जो सॉन्ग था लोनली था, और अब एक नया अवतार लेके दोबारा से आए हैं हम लोग प्यार की बारिश, जो अभी बारिश का अभी भी टाइम चल रहा है, बीच बीच में बारिश हो रही है, रुक रही है, बट माहौल प्यार का ही रहता है हमेशा से। सो इट्स अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग, इतने टैलेंटेड सिंगर्स यहाँ पे हैं और इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, इन लोगों को सुंदर बनाने का काम तो मेरा हमेशा से रहा है, बट ये भी हमारा नाइट शिफ्ट में शूट हुआ था, तो वेरी टफ टाइम हो जाता है आर्टिस्ट लोगों के लिए, एक बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि डे में काम करना नाइट में काम करने में बहुत टफ होता है, बट दे आर वेरी कोऑपरेटिंग, वेरी डेडिकेट, काम में पैशन होना चाहिए, इन लोगों को हमने भिगा भी दिया था, सो उसमें भी उन लोगों ने एक इतना अच्छा किया, एंटायर पूरी टीम ने इतनी मेहनत करी है, हमारे डायरेक्टर सर जो हमेशा मतलब सबको बूस्ट देते, मोटिवेट करते रहते हैं, और हमारे डीओपी जो इतना हेवी मतलब सामान रहते हैं पर फिर भी वो डेडिकेशन होके पूरा काम करना, इस हैंड्स ऑफ ऑल टीम ऑफ म्यूजिकल लैंड एंड कैलाश प्रोडक्शन। सो गाइस एक जोर से ताली होनी चाहिए इन सब लोगों के लिए। सो देन यहाँ पे मैं सब लोगों को बुलाना चाहूँगी, हमारे डायरेक्टर सर, हमारे डीओपी और एंटायर टीम, जो मेकअप आर्टिस्ट जो इन्होंने खूबसूरत बनाया इनको, और मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ क्योंकि ये रोमांटिक कपल सॉन्ग था तो मैंने इन दोनों को बहुत प्यारा लुक दिया है, तो रिलीज़ हो चुका है तो आप लोग देखेंगे, तो बस हम चाहते हैं जितने से ज़्यादा आप रील्स बनाएं और टैग करें म्यूजिकल लैंड आर्टिस्ट लोगों को, सब मेंशन कर दिया जाएगा, एंड प्लीज़ जिन्होंने गाना गाया है उन लोगों को भी टैग करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग बहुत प्यार दीजिए बस। आइए डायरेक्टर सर, डीओपी सर एंड जितने एंटायर टीम में मेकअप आर्टिस्ट हैं, एवरीवनस कम। जब हमने प्लान किया था कि कुछ बारिश को लेके गाना बनाते, तब मैंने भाई साहब से बोला था कि हम कुछ एक गाना बनाते बारिश को लेके, तो होता है कि कुछ अलग, कुछ रोमांटिक, क्योंकि पहले से रोमांटिक ही हम प्लान करते थे गाने को लेके, तो हमने प्लान किया बारिश को लेके कुछ अच्छा एक रोमांटिक गाना बनाते, और आर्टिस्ट ने तो काम किया कि बारिश में भीग के मैं नाइट शूट, ऑब्वियसली जैसे दीदी ने बोला था कि नाइट शूट होता है
बट अच्छा, सबने अच्छा हार्ड वर्किंग किया, गाना बहुत, पूरी टीम ने लगन से बहुत अच्छे से काम किया है, तब जाके आप लोगों को अब देखेंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ में आएगा कितना प्यारा और खूबसूरत बन गया है। और पता है गाने में का एक फील है, एक पता है, पता है कि बारिश हो रही है, किसी के साथ बैठ के गाना सुनोगे तो फील आएगा हाँ एक रोमांटिक गाना है, तो वैसा वाला है गाने के साथ। बाकी जिन्होंने शूट किया है ये बताइए जी, वो कितना चैलेंजिंग था बारिश में शूट करना? बारिश में करने के लिए तो चैलेंजिंग था, क्योंकि लाइट वगैरह सब हमारा इक्विपमेंट था, इक्विपमेंट को भी बचाना होता है उस बारिश में, तो चैलेंजिंग था ये। तो मेरा इतना ही कहना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और रील ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। हाँ, मैं तो मोस्टली सारे प्रोजेक्ट पे कास्टिंग भी करती हूँ और स्टाइलिंग भी करती हूँ, ऑल ओवर संभालना पड़ता है। ये हमारे दोनों ब्रदर है, जो हमारा ये पूरा जो चैनल है कैलाश प्रोडक्शन और म्यूजिक लैंड, ये फुल फैमिली होम प्रोडक्शन है, जिसमें हम इतना मगन से काम करते हैं और इतने टैलेंटेड, और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं, जो पिछली बार भी हम हमेशा बोलते हैं कि हम फ्रेश फेस लेके आते हैं और पब्लिक पसंद करे, क्योंकि हमारा काम है कि कोई भी कंटेंट हम लेके आते हैं तो उसमें आर्टिस्ट मैच होना चाहिए। तो वो बहुत टफ काम होता है कास्टिंग करना, काफ़ी दिनों से हम एक गाने के पीछे कम से कम 25 days, 1 month भी लग जाता है, जिसके पीछे हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। फिर अच्छे आर्टिस्ट के साथ साथ सिंगर जब इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड हो तो चीज़ें और भी ऑटोमेटिकली खूबसूरत बन जाती हैं। तो बस इतना हम मेहनत करते हैं, बस हम सब लोग एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना प्यार देंगे हमारी चीज़ें, हमारी मेहनत आप तक पहुँचेगी, और हमेशा से हम यही चाहते हैं। और वो अभी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सारे जो गाने एक एक अलग वे से हम प्लान, अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, आप लोगों को बहुत मतलब स्टे ट्यून रहिए, इसलिए बोलो फटाफट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को अपकमिंग और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में पता चल पाए। साहब आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताओ। सर बेसिकली मैं अयोध्या से हूँ, तो वहाँ से मुंबई आना बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत टफ था, मेरे लिए इजी था ये, बट यहाँ पे मैंने म्यूज़िक परस्यू किया, फिर उसमें ट्रेनिंग की है, फिर उसके बाद हमारे कई सारे धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ, कुछ गाने रिलीज हुए, कुछ म्यूजिकल प्लेटफॉर्म से भी हुए हैं, और सुमित सर के साथ भी हमने एक गाना किया हुआ है ऑलरेडी। और ये रहे हमारे ऑल टाइम जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके एडिट करना, सारे DI करना, अगर चीज़ें तो हम बना के देते हैं बट प्रॉपर तैयार करने में पीछे में बहुत लोगों का हाथ रहता है। तो ये है विकी जी, जो सारे प्रोजेक्ट को एकदम हम इनको लाके हैंडओवर करते हैं और ये उसे और खूबसूरत बनाते हैं। अरे तो म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक प्रोड्यूसर अनु सर के हाथ में, पायल हां, ए पायल आप बताइए, रेडी रहना तुम भी, समीर को बुला रहे हैं। ये म्यूजिक, ये बेसिकली गाने को लेकर ना, हमने कम से कम 3 या 4 ड्राफ्ट बनाए थे, और हर बार ने कहा, पता है हर बार एक फिल्टर हो गया, एक अपग्रेडेड गाना आ रहा था, कि नहीं ऐसा नहीं कि ये हो रहा था, एक नई नई चीजें बन के आ रही थी म्यूजिक को लेके। मैंने, मुझे लगता 2-2 बजे मैंने कहा हमने चेंजेस किए हुए गाने को लेके, हम लोग का कोई भी सॉन्ग स्टार्ट करने का एक प्रोसीजर होता है। और जब डायरेक्टर सर ने ये सॉन्ग सुनाया था, इतना हमने मतलब बोला था करना ही है, मतलब इतना प्यारा लगा था ये। आपने यहाँ सुना, इसकी जो बैक स्टोरी है वो बहुत अजीब है, क्योंकि एक होता है ना कि हम दोनों मिलके जंग लड़ते हैं, हम लोग ने शुरू किया, उसके बाद हुआ क्या, फील नहीं आ रहा है इसमें, देखिए मजा बहुत आ रहा है, मतलब मैं वो नहीं बोल रहा हूँ बट कुछ तो हल्का सा आप समझ रहे हो ना। सर बिल्कुल हम लोग आगे काम कर रहे हैं, यही तो एक खूबी होती है, जब तक किक नहीं होता है सॉन्ग में तब तक वो इंसान लगा हुआ रहता है। इन लोगों को बहुत तकलीफ देता हूं मैं, सेट भी सर एंड मौके पे लुक्स चेंज कर देते, नहीं ये काम नहीं, मैं भी इस चीज को बहुत होती हूं, तो सर ये हर एक चीज में उनको किक चाहिए, तो ये पैशनेट हम लोगों सब में है, तो इसलिए काम करके बहुत मजा आता है। शूट पे मैं इनको बहुत तकलीफ देता हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत तकलीफ देते हैं। यहाँ से कुछ और प्लान होके जाते हैं, वहाँ पे सडनली फ्लिप होता है, बट वो जब रिजल्ट होके आता है हम भले परेशान हो जाते हैं, बट हमें इनके बारे में पता है कि ये अपना बेस्ट टू बेस्ट कैमरा एंगल में कौन सा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं हमेशा बैकअप लेके चलती हूँ, अगर 5 लोग हैं तो 10 कपड़े लेके जाती हूँ मैं, ताकि सर कभी भी फ्लिप कर सकते हैं। और ये हैं योगेश, जो हमारे पूरे बैकबोन है, मतलब प्रोडक्शन का पूरा BTS लेना, प्रॉपरली सारी चीज़ें जो हम जो इतना काम करते हैं,
और ड्यूरिंग द शूट के जितने भी फुटेजेस होते हैं सारे कैप्चर ये करते हैं और हमारे ये टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट दोनों क्यूट क्यूट सी हैं एकदम इक्वल हाइट में और कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में छोटा पटाखा है पता है इनके साथ में काम करके हमें बहुत मजा आया हमने रात भर शूट किए लेकिन वो रात कब निकली हमें पता ही नहीं चला एक फन की तरह ऐसे लगता है कि छुट्टियां मना रहे हैं जैसे पायल ने बोला वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगा सर को थोड़ा ग्लॉस चाहिए था हम लोग ने ग्लॉस भी दिया और बहुत मजे किए ड्यूरिंग शूट्स और जब एंडिंग का टाइम हो रहा था इतने सब लोग हंस रहे थे इतनी कॉमेडी हो रही थी लाइक बहुत ज्यादा मजा आया और सब लोग ये हमारी पूरी एंटायर टीम है जो एक गाने के पीछे बैकबोन होके सब इतना मेहनत करते हैं तब जाके आम पब्लिक को ये इतनी खूबसूरत चीजें दिखती है बट वो लोग है ना बहुत इजीली समझते हैं कि यार ये तो चलो ऐसे ही हो गया होगा बट पीछे बहुत लोग मेहनत करते हैं तब जाके एक एल्बम और एक खूबसूरती चीज बन के आती है सो इट्स अप्रिशिएट फॉर एवरीवन बारिश के मौसम में अपना प्यार का प्यार की बारिश दोनों ने पूल में भी अच्छी बारिश की है हमारे सर हैं जिनको डे का शूट बिल्कुल पसंद ही नहीं है रात में चलो रात में नींद खराब करो और खूब परेशान होके खुश होके मजे से शूट करो मतलब नींद तो गई काम पे ध्यान दो और वहाँ बारिश हो रही है इक्विपमेंट्स बचाना पता नहीं लगता है कहाँ पर जितनी बार भी शूट करते हैं ऐसा लगता है नहीं कि हम लोग लाइक नाइट शिफ्ट कर रहे हैं ऐसे टाइम चला जाता है क्योंकि बैक टू बैक सब पे भी इतना प्रेशर रहता है बट पूरी टीम बहुत एनर्जेटिक है पता नहीं क्या खाते हैं सब लोग बट मुझे मेरा पता है कि मैं क्या खा के काम करती हूँ बारिश में बहुत चैलेंजिंग रहता है काम करना वहाँ पे सब बारिश हो रही है इक्विपमेंट्स बचाना है सर को जो चाहिए वो भी निकलना चाहिए चाहे 10 टेक हो जाए और हमारे सर ने गिटार इतना अच्छा बजा रहे हैं बहुत मजा आया एंड पूरा एंटरटेन हुआ हम लोगों का बारिश पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है इलेक्ट्रिक चले जाना तो ये बहुत टफ काम हो जाता है क्योंकि हर बार ऐसे मौसम हो जाता है बार बार इलेक्ट्रिक चली जाती है और इतने सारे लाइटिंग का सेट ये सब तो उसमें भी काफ़ी हम जो चीज़ टाइम पे करना चाहते हैं वो टाइम पे नहीं हो पाती है काफ़ी बार डिले हो जाती है तो इसमें भी पूरे आर्टिस्ट लोग कॉपरेट करते हैं पेशेंस रखते हैं पूरी टीम पेशेंस रखती है तो थैंक यू फॉर दैट क्योंकि आप सब लोग पेशेंस रखते हैं और देन हमारे साथ कॉपरेट करते हैं ये एक बहुत बड़ा पार्ट है ये काम करने का That's why we love this team. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.